अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। जिन वीर महापुरुषों ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें तेलंगा खड़िया का नाम भी लिया जाता है। उनका जन्म 9 फरवरी 1806 को झारखंड के गुमला जिले में मुर्मू नामक ग्राम में साधारण किसान परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही वीर साहसी और अधिक बोलने वाले थे। खड़िया बोली में ऐसे साहसी को देवलंगा कहा जाता है। सांवले रंग के बलिश शरीर वाले तेलंगा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वे कर्मठ सामाजिक नेता थे। उनका विवाह 1846 में हुआ। उनका मुख्य पेशा खेती करना और अपने अनुयायियों को सुबह शाम गदका, तलवार एवं तीर चलाना सिखाना था। उन दिनों जमींदारी प्रथा थी और लगान वसूली जाती थी। तेलंगा ने अंग्रेजी हुकूमत को नकार दिया था। उनका कहना था, जमीन हमारी, जंगल हमारे, मेहनत हमारी और फसलें भी हमारी, तो फिर जमींदार और अंग्रेज कौन होते हैं हमसे लगान और मालगुजारी वसूलने वाले। वे कहते, अंग्रेजों के पास अगर गोली बारूद है तो हमारे पास भी तीर धनुष कुल्हाड़ी फरसे हैं, फिर क्या था। आदिवासियों की तेज हुंकार से आसमान कांपने लगा। तेलंगा ने जोड़ी पंचायत संगठन की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन था जिसमें विद्रोहियों को तमाम तरह की युद्ध विधाओं समेत रणनीति बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। रणनीतिक दस्ता युद्ध की योजनाएं बनाता और लड़ाके जंगलों घाटियों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध करते। धीरे धीरे हर गांव में जोड़ी पंचायत बनने लगी। हर जोड़ी पंचायत एक दूसरे से रणनीतिक तौर पर जुड़े हुए थे। जमींदारों के लठैर और अंग्रेजी सेना के आने की सूचना उन्हें पहले ही मिल जाती थी। विद्रोही सेना पहले से ही तैयार रहती और दुश्मन की जमकर धुनाई करती। तेलंगा ने छोटे स्तर पर ही सही पर अंग्रेजों के समानांतर सत्ता का विकल्प खोल दिया था। तेलंगा ने लड़ाई की शुरुआत अपने गांव मुर्गू से की। अधिकांश लोग अंग्रेजों के शोषण से पीड़ित थे, इसलिए विद्रोहियों को ग्रामीणों का भारी समर्थन मिलता था। गुरिल्ला युद्ध में दुश्मन को पछाड़ने के बाद वे जंगल में छिप जाते। अंग्रेजी शासन के लिए खौफ बन चुके तेलंगा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम का जाल फेंका। कई लोग लालच में पड़ गए और गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचाने लगे। ऐसे ही गुप्त बैठक करते हुए तेलंगा को पकड़ लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 14 साल की जेल हुई। जेल से छूटते ही तेलंगा के तेवर और भी तल्ख हो गए। विद्रोहियों की दहाड़ से जमींदारों के बंगले कांप उठे। जोड़ी पंचायत फिर से सक्रिय हो गया और प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया। तेलंगा की स्थिति जमींदारों और अंग्रेज सरकार के लिए भूखे बूढ़े शेर जैसी हो गई। वे फिर से अपने अनुयायियों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के काम में जुट गए। 23 अप्रैल 1880 को वे सिसई मैदान में सुबह पहुंचे और नियमानुसार अस्त्र शस्त्र सिखाने के पहले झंडा के पास घुटना टेक व सिर झुकाकर धरती माता, सरना माता, सूर्य भगवान, महादान देव और अपने पूर्वजों का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे थे। तभी अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। तेलंगा की गरज सुनाई पड़ी, हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। युद्ध कौशल में प्रशिक्षित विद्रोहियों से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत दुश्मन में नहीं थी। इसी बीच सिपाही बेधन सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए झाड़ियों में छिपकर तेलंगा की पीठ पर गोली चला दी। हे सरना मां कहकर वे भूमि पर गिर पड़े। तेलंगा के शव को विद्रोही जंगल उठा ले गए। तेलंगा फिर कभी नजर नहीं आए, लेकिन वहां के लोकगीतों में वे अजर अमर हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे
एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।